वेरी गुड इवनिंग। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे परिवहन कहते हैं, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। और यह बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। किस प्रकार से परिवहन व्यवस्था का संचालन किया जाता है उसको चर्चा करेंगे। यहाँ से UPSC और स्टेट PCS में क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं, चाहे वह सड़क परिवहन से हो सकता है, रेलवे परिवहन से है, या फिर आंतरिक जल मार्ग से क्वेश्चंस बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं मुख्य रूप से परिवहन में, उसको चर्चा करेंगे। देखिए, परिवहन का जो चैप्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस परिवहन में हम क्या क्या चर्चा करने जा रहे हैं। इस पे हम मुख्य रूप से सड़क परिवहन की बात करेंगे और सड़क परिवहन के अंतर्गत हम देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, एक है राज्य राजमार्ग, एक है जिला राजमार्ग, ठीक है, और इसके अंतर्गत फिर ग्रामीण सड़कें आ जाएंगी। ये सभी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ में हम एक्सप्रेसवे को देखेंगे। एक्सप्रेसवे क्या होता है, एक्सप्रेसवे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार की इसके कॉन्सेप्ट हैं इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ में इसके अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज होता है, स्वर्णिम चतुर्भुज, और इसके अलावा इसमें उत्तर दक्षिणी गलियारा, इसके बाद हम देखेंगे पूर्व पश्चिम गलियारा, इसके अलावा BRO क्या होता है, BRO इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो सड़क परिवहन के अंतर्गत आ जाएगा, ये सभी को हम कॉन्सेप्ट चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग, जिला राजमार्ग और ग्रामीण सड़कें। तो इसमें हम देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको क्या करती है, देख रेख का कार्य करती है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, और इसे कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, और यह कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग के प्राधिकरण और देख रेख और इस प्रकार से जो कार्य करती है, निर्माण का कार्य करती है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI करती है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये संगठन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यह जो राज्य है, राज्य राजमार्ग कहते हैं, राज्य राजमार्ग के रूप में देख सकते हैं, राज्य के सरकार के द्वारा इस प्रकार से देख रेख का कार्य करती है, सुनिश्चित करने का कार्य करती है राज्य, और राज्य के सड़कें जो होती है एक राज्य के किसी क्षेत्र में वह जिला मुख्यालय के सभी क्षेत्रों को वह जोड़ने का कार्य करती है, राज्य राजमार्ग का कार्य होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो होगा सड़क राजमार्ग, इसमें सड़क में इसमें क्या हो जाएगा, जिला राजमार्ग, जिला में से क्या होगा, जिला मुख्यालय, अलग अलग जिला मुख्यालय को जोड़ने का कार्य करेगी और सभी जिलों को कनेक्टिविटी के माध्यम से एक साथ एक सूत्र में बांधेगी, यही कार्य होता है जिला राजमार्ग का। तो जिला मार्ग का विस्तार इसी प्रकार से है, वह जिला मुख्यालय को जोड़ने का कार्य करेगी। इस प्रकार से क्या होगा, ग्रामीण सड़कें क्या होती है, ग्रामीण सड़कें का मतलब ये होता है कि सभी क्षेत्रों पर ग्रामीण सड़कों का अभाव ना हो और ग्रामीण क्षेत्रों पर बारहमासी ग्राम का इसमें क्या कर सकते हैं, सड़कों का यहाँ पर विस्तार होना चाहिए, फैलाना चाहिए। इस प्रकार से जो कॉन्सेप्ट को लेकर के आई हुई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो कॉन्सेप्ट था इसी पर बेस्ड था, और इसमें बारहमासी सड़कों को इस प्रकार से जाल बना करके इस प्रकार से क्या करना था, इसको जोड़ना था। तो कनेक्टिविटी को सुगमता बनाने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था। इसमें क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें भी हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ी सड़कें कौन सी होगी, इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, जिला मार्ग या ग्रामीण मार्ग, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, समान सी बात है, इसमें आप देखेंगे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाला कार्य करती है वह एक तरह से ब्रॉड लेवल पे है, और यह एक तरह से क्या होगा, यह मुख्य रूप से अलग अलग राज्यों में विस्तारित हैं, और अलग अलग राज्यों में विस्तारित होकर के बड़े बड़े क्षेत्रों पर यह फैली हुई है। मुख्य रूप से देखें तो मेट्रोपोलिटन एरियाज़ पर यह क्या है, फैली हुई है, विस्तृत हुई है। दूसरी बात है कि राज्य का क्षेत्र होगा वह राज्य के क्षेत्रों पर है, साथ ही साथ जिला में, तो जिला के सभी जिलों पे यह जिला, अलग अलग जिला वे पे हम देख सकते हैं कि पूरे भारत में जिला है वह उनके सभी जिलों कनेक्टिविटी को एक साथ एक सूत्र में बांधती है। तो यह जिला का क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र का ऐसा एरिया है जो कि हर छोटे छोटे एरिया में सड़कों का निर्माण हुआ है, और छोटे छोटे सड़कों का निर्माण होने के कारण क्या होगा, इसका विस्तार बहुत ही ब्रॉड है, ये ब्रॉड लेवल पर है, इसका विस्तार
विस्तार बहुत ही लंबा होगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से देखेंगे तो यह क्या होगा, ग्रामीण जो सड़कें होंगी वह क्या होगा, सबसे ज़्यादा विस्तृत होगी, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका विस्तार जो है सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन यदि पूछा गया कि सड़कों में लंबाई की दृष्टि से देखें तो भारत में सबसे लंबी जो सड़कें होंगी किस में, इनमें से कौन सा होगा, क्या हो जाएगा, आपकी ग्रामीण सड़कें होंगी, उसके बाद आपके जिला सड़क होगा, उसके बाद आपके राज्य की सड़कें होंगी, उसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। तो राज्य मार्ग क्या होगा, राष्ट्रीय राज्य मार्ग जो होगा वह सबसे कम होगा लंबाई की दृष्टि से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके इंपॉर्टेंस हैं इसमें, इसका संदर्भ हमें देख सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि नेशनल हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और नेशनल हाईवे को अलग अलग नंबर दिया जाता है उसमें, और इस प्रकार की जो सड़कें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो किस प्रकार विस्तृत है, ये प्रश्न आता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से नेशनल हाईवे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे एक्सप्रेसवे पर, बात करेंगे एक्सप्रेसवे स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारों पर बात करेंगे, इस पर बात आएंगे। ठीक है, इससे पहले हम पहुंच जाते हैं किसमें, सड़क में, इसमें नेशनल हाईवे में। तो नेशनल हाईवे को इसको समझने का प्रयास करिए, इसमें चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। जैसे मैं आपको इंडिया का एक मैप बनाता हूँ, ठीक है, क्या बना रहा हूँ, इंडिया का मैप बना रहा हूँ, और कोशिश करेंगे उसी में अप्लाई करिएगा, इंडिया के मैप को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि एक सबसे पहले ये इंडिया है, और इस इंडिया वाले पार्ट को हम देखेंगे, कोशिश करेंगे, ये आपका बन जाएगा इंडिया। ठीक है, ये हो गया इंडिया, और इस इंडिया वाले पार्ट में हम अलग अलग तरीके से नेशनल हाईवे को इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसी का यहाँ पर आपको अलग से चित्र में मैं बता दूंगा। सबसे पहले समझिए कि एक इसमें नेशनल हाईवे नंबर वन, नेशनल हाईवे नंबर वन, ठीक है, NH1 कहते हैं जिसे, नेशनल हाईवे नंबर वन। यह नेशनल हाईवे नंबर कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, आपके यहाँ पर है आपके कौन सा, अमृतसर, ठीक है, अमृतसर से दिल्ली, तो अमृतसर से दिल्ली के जो बीच में होगा वह क्या होगा, नेशनल हाईवे नंबर वन। ठीक है, मैं यहाँ पर कर दिया हूँ नेशनल हाईवे नंबर वन, अमृतसर टू दिल्ली। ठीक है, ये अमृतसर है और ये है दिल्ली है। ठीक है, तो नेशनल हाईवे नंबर अमृतसर से दिल्ली के बीच में हो जाएगा। इसी प्रकार से नेशनल हाईवे नंबर टू, जिसे हम ग्रांड ट्रंक रोड से के नाम से जाने जाता था, जिसे शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, आप लोगों को पता होगा हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हुमायूं के बाद में हरा करके क्या कौन आया था, शेरशाह सूरी ने राजवंश की, सूरी राजवंश की स्थापना की थी वही है, और उन्होंने क्या किया था, ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना की थी, वही बाद में आगे चल करके क्या बन गया, नेशनल हाईवे नंबर टू, जिसे कोलकाता के क्षेत्र तक यहाँ जोड़ती है। ठीक है, इस प्रकार से ये कोलकाता हो जाएगा, यहाँ पर हम ले आते हैं इसको कोलकाता के क्षेत्र में, और कोलकाता हो जाएगा यहाँ पर नेशनल हाईवे नंबर टू। ठीक है, क्या हो जाएगा, नेशनल हाईवे नंबर टू, दिल्ली टू कोलकाता। ठीक है, ये हो जाएगा। उसी प्रकार से नेशनल हाईवे नंबर थ्री, क्या हो जाएगा, नेशनल हाईवे नंबर थ्री में हम पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर है आगरा, दिल्ली के नीचे में आप देखेंगे आगरा, तो आगरा से फिर हम मुंबई तक जोड़ देंगे, और यहाँ पर नेशनल हाईवे नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर थ्री। ठीक है, आगरा टू दिल्ली, आगरा टू मुंबई, ठीक है, आगरा टू मुंबई, तो ये हो जाएगा नेशनल हाईवे नंबर थ्री। ठीक है, उसी प्रकार से नेशनल हाईवे नंबर फोर, नेशनल हाईवे नंबर फोर यहाँ पर हो जाएगा आपके ठाणे, मुंबई के पास में ठाणे हैं, और ठाणे से आपके चेन्नई हो जाएगा, तो चेन्नई को जोड़ दीजिए और नेशनल हाईवे नंबर फोर लिख दीजिए। ठीक है, तो नेशनल हाईवे नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर, तो नेशनल हाईवे नंबर फोर में कौन कौन सा है, ठाणे, ठाणे या मुंबई लिख लीजिए, कोई से भी लिख सकते हैं, इसके बाद क्या हो जाएगा, चेन्नई। ठीक है, तो इसमें ठाणे या मुंबई से चेन्नई तक के बीच की जो दूरी है वह क्षेत्र है नेशनल हाईवे नंबर कौन सा होगा, फोर हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे नेशनल हाईवे नंबर फाइव, ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर फाइव को देखें तो चेन्नई से हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं कोलकाता के पास में, एक महत्वपूर्ण प्लेस यहीं पर है। ठीक है, और यहाँ पर से जोड़ देते हैं कोलकाता के समीप में, यहाँ पर बागरा डोरा इस प्रकार से नाम है करके, इसमें कोलकाता को जोड़ सकते हैं, ले सकते हैं, तो ये कौन सा प्लेस होगा, चेन्नई टू कोलकाता। ठीक है, चेन्नई टू कोलकाता में क्या हो जाएगा, नेशनल हाईवे नंबर फाइव। ठीक है, यहाँ से चेन्नई टू कोलकाता इस प्रकार से हो जाएगा।
एक और महत्वपूर्ण है जिसे हम कह सकते हैं नेशनल हाईवे नंबर 6, ठीक है, क्या होगा, नेशनल हाईवे नंबर 6। और 6 का जो कॉरिडोर बनता है यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हजीरा कहाँ पर है, गुजरात में हजीरा है, ठीक है, गुजरात में हजीरा से कोलकाता जोड़ दीजिए और नेशनल हाईवे नंबर 6 बन जाएगा, और इसी को क्या कहेंगे, इसमें हजीरा टू कोलकाता, ठीक है, यह आपके छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को आपके स्पर्श करते हुए निकलती है, रायपुर से होकर के निकलती है सरायपाली वाले रूट में, यह नेशनल हाईवे नंबर 6 है जो भी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हजीरा टू कोलकाता हो जाएगा नेशनल हाईवे नंबर 6। एक नेशनल हाईवे नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है 7, ठीक है, तो 7 जो है वह आपके वाराणसी, यहाँ पर वाराणसी है, यहाँ पर कन्याकुमारी, इसको आप जोड़ दीजिए और नेशनल हाईवे नंबर 7 हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर नेशनल हाईवे नंबर 7 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाराणसी से कन्याकुमारी के बीच में आपको मिलेगा, के लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, अलग से आपको समझ आएगा, कन्याकुमारी, ठीक है। तो नेशनल हाईवे नंबर 7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी के बीच में अवस्थित है, यह इस प्रकार से निर्मित है, जो कि सबसे लंबी है भारत में, यदि देखा जाए नेशनल हाईवे की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे लंबी नेशनल हाईवे राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, वह नेशनल हाईवे नंबर 7 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण है नेशनल हाईवे नंबर 8, क्या हो जाएगा, नेशनल हाईवे नंबर 8 जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, वह कहां से कहां तक है, दिल्ली से मुंबई के बीच में जोड़ने का कार्य करती है, दिल्ली से क्या होगा, मुंबई, और दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाली जो होगा नेशनल हाईवे नंबर क्या होगा, 8 हो जाएगा, तो दिल्ली टू मुंबई, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, नेशनल हाईवे नंबर 1 to 8 तक आप लोगों को बताया गया है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सभी को देखें, नेशनल हाईवे तो और भी हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं उसको यहाँ पर देख लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 1, नेशनल हाईवे नंबर 1 कौन सा होगा, यहाँ पर अमृतसर टू दिल्ली, फिर दिल्ली के बाद में दिल्ली से कोलकाता के बीच में नेशनल हाईवे नंबर 2 हो जाएगा, नेशनल हाईवे नंबर 3 हो जाएगा आपके यहाँ से ए टू एम लिखा है, यहाँ पर क्या होगा, आगरा टू मुंबई, ठीक है। नेशनल हाईवे नंबर 4 है, यहाँ पर देखिए टी और सी लिखा है, ठीक है, तो चेन्नई, ठाणे से चेन्नई या फिर मुंबई से चेन्नई कर सकते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 5 है, यहाँ पर 5 में देखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से कोलकाता, ठीक है, चेन्नई से कोलकाता नेशनल हाईवे नंबर 5। 6 जो है कि नेशनल हाईवे नंबर 6 जो कि यहाँ पर के है, हजीरा टू कोलकाता, इस प्रकार से 6 हो जाएगा। 7 है, नेशनल हाईवे नंबर 7 है, इसमें वाराणसी से कन्याकुमारी के बीच में नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, नेशनल हाईवे नंबर 7 और जो कि सबसे बड़ी है भारत में, और इस प्रकार से नेशनल हाईवे नंबर 8 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी एम लिखा है इसमें, दिल्ली टू मुंबई है नेशनल हाईवे नंबर 8 हो जाएगा, क्लियर। तो इस प्रकार से नेशनल हाईवे का इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से पिक्चर बनाइए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यह नेशनल हाईवे है, इसके बाद हम पहुंचते हैं एक्सप्रेसवे में, क्या होता है कि एक्सप्रेसवे में देखेंगे तो एक्सप्रेसवे जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कम समय में, कम अवधि में बहुत लंबी दूरी को तय करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यापारिक जो इसमें व्यावसायिक के तरह से परिवहन है उनको कम अवधि में अपने लंबी दूरी की यात्रा को तय करने के लिए या फिर सुनिश्चित करने के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाता है। जैसे एक्सप्रेसवे, कई सारे एक्सप्रेसवे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली यमुना एक्सप्रेसवे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगरा को दूरी को कम कर दिया है जिसने, पुणे से दिल्ली, पुणे से मुंबई, तो पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, कई सारे एक्सप्रेसवे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, एक है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी और इस योजना के तहत 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी को एक साथ जोड़ना है, ठीक है, एक बंध में करना है, एक सूत्र में बांधने की जो क्रिया है वो काम किया गया है, वह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। कौन देखती है इसका कार्य, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो NHAI के द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का क्रियान्वयन किया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रेख कार्य भी इसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज का मतलब ये है कि जो मेट्रोपॉलिटन जो प्लेस हैं, जो कि मेन प्लेस है, जैसे दिल्ली है, ठीक है, कोलकाता है, चेन्नई है और मुंबई है, इस प्रकार से चारों को एक सूत्र में बांधने का, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन ट्रायंगल, इसमें क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल
क्वाड्रिलेटरल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखें कि उत्तर दक्षिणी गलियारा क्या होता है, उत्तर दक्षिणी गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा क्या होता है। देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा या फिर हम कहें पूर्व पश्चिम गलियारा, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख सकते हैं। देखिए इसमें देखेंगे तो उत्तर दक्षिण गलियारा मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर जो गलियारा बना है उसको कहा गया है। हम ऊपर में देखें, ऊपर में श्रीनगर एक प्लेस है, श्रीनगर, श्रीनगर ठीक है, एक है कन्याकुमारी, ठीक है, ये कन्याकुमारी, तो दोनों प्लेस को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, इस प्रकार से एक बना है और उसे कहते हैं उत्तर दक्षिणी गलियारा। और उत्तर दक्षिणी गलियारा इसी प्रकार से निर्मित है, ठीक है। एक होता है एक पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है, ये उत्तर दक्षिणी गलियारा हम लोगों ने देखा, एक है पूर्व पश्चिमी गलियारा, और पूर्व पश्चिम गलियारा जो है आपके यहाँ से इस प्रकार से निर्मित है, ठीक है, तो ये इस प्रकार से बना हुआ है। और यह श्रीनगर से देखिए उत्तर दक्षिणी गलियारा जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी है, उसी प्रकार से पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वह सिलचर से बना हुआ है। सिलचर, सिलचर कहाँ पर है, ये असम में है, और उसी प्रकार से यहाँ पर पोरबंदर तक बना हुआ है, ठीक है। तो पोरबंदर और सिलचर के बीच में जो जोड़ती है, यह एक दूसरे को जोड़ती है, काटने वाली जो रेखा है वहाँ पर प्लेस है, उसे झांसी कहते हैं। तो झांसी नामक एक प्लेस में सिटी पे क्या करती है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा को एक दूसरे से काटती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से हम देखें एक महत्वपूर्ण है जिसे कहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, ठीक है, क्या हुआ था, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसका क्या कार्य है, देखिए इसका कार्य जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सीमा क्षेत्रों पर, सीमा क्षेत्रों पर सड़कों का निर्माण कार्य करती है, तो यह सीमा क्षेत्र है, तो सीमा क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कार्य करने वाला एक संगठन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले यह गृह मंत्रालय के अधीन आता था, लेकिन वर्तमान में सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए क्या कर दिया गया, इसे रक्षा मंत्रालय के अधीन रख दिया गया, ठीक है। तो ये किस में आते हैं, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। वर्तमान परिस्थिति में देखें तो रक्षा मंत्रालय के अधीन यह कार्य करती है, जो कि सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण और उसके देखरेख का कार्य काम करती है, ठीक है। तो यह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इस प्रकार से जो परिवहन को हम लोगों ने देखा, जो हर प्रकार के बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सड़क परिवहन को हम लोगों ने देखा इसमें, और इसके साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अलग अलग तरीके से देखेंगे, जिसमें आंतरिक जल मार्ग, ठीक है, और इसके साथ ही साथ में रेलवे परिवहन भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ओके।